समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अपना दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें बोलने के लिए जब सपा के महासचिव राम गोपाल यादव खड़े हुए तो देखिए कैसे कार्यकर्ताओं पर ही भड़क पड़े। अब ये सब कुछ देखकर अखिलेश यादव भी हैरान हो गए। मैं इधर जो कोने में हमारे पार्टी के नेता खड़े हुए, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब से आप लोग खड़े हैं न तो एक शब्द यहाँ से जो बोला जा रहा है न सुन रहे, और इसीलिए आपकी हैसियत होती है कि जब आपसे कहा जाए कि दो मिनट बोलो तो दो मिनट भाषण नहीं दे सकते। यहाँ हर चीज़ जो कही जाती है ये जनसभा नहीं है, ये प्रतिनिधि सम्मेलन है, राज्य सम्मेलन है, और इस उम्मीद की जाती है कि इसमें अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, लेकिन ये नासमझी का परिचय जो यहाँ वाले दे रहे हैं, इनको वापस हटाइए, इनको पीछे कीजिए, इन्हें तो कोई व्यवस्था करें, न पीछे वालों को देखने दें, सुनने दें, आगे हटिए, सबके पीछे लोग बैठे उन्हें देखने दीजिए, अगर खड़े रहना तो पीछे जाइए, और इधर लोग हटे हैं जो ये खड़े हुए, हटे यहाँ से, हटाओ इनको सबको, पीछे वालों को दिखता नहीं, आगे खड़े हुए हैं आप तमाशा बनाए हुए, हटो इन सबको, हटाओ ये लाल बत ड्रेस वाले, हटाइए। साथियों, 4 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज टाइम्स 24 के साथ।